तो आज मैं आपके लिए लेके आया मोस्ट सेलिंग एंड वेरी पॉपुलर गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो जो कि है जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर। तो करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो किस तरह की कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे ये हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं एंड एसेसरीज भी मिल जाती हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो का भी आपको अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह है जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, बैक साइड से बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं। अरे किधर को लूगा, तो अंदर से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो फटाफट बाहर निकालते हैं। तो साइड में आपको माउस देखने को मिल जाता है, तो आपको कुछ ऐसा माउस देखने को मिल जाता है। इसे रखते हैं साइड पे, फिर निकाल लेते हैं कीबोर्ड को बाहर। तो कीबोर्ड कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है एंड बॉक्स में आपको यूज़र मैनुअल गाइड भी देखने को मिल जाती है। सारे गामा पा धानी सा नी धा पा मा गरे सा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीबोर्ड के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम वाली फीलिंग देखने को मिल जाती है कीबोर्ड में। इसका जो बेस है वो सिल्वर कलर का है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो उसका जो फ्रेम बना हुआ है वो बना हुआ है एल्यूमिनियम से। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी यार बहुत ही अच्छी है, जिस प्राइस पे आता है उससे अच्छी हमें बिल्ड क्वालिटी ये मतलब देता है। कीज की बात कर लेते हैं, तो कीज बनी हुई है इसकी प्लास्टिक से एंड उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। बैक साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको टू लेवल के स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप दो तरह से हाइट्स की एडजस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट एक छोटा वाला है, तो ये छोटा स्टैंड इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एंड एक बड़ा स्टैंड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। टोटल इसके अंदर आपको टू स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, तो आप दो तरह से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कीबोर्ड की केबल की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 2 मीटर की केबल देखने को मिल जाती है एंड वो भी ब्रेडेड केबल है, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड इसका जो यूएसबी वाला पोर्ट है वो भी हमें गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड इस कीबोर्ड के अंदर आपको 104 कीज देखने को मिल जाती है एंड साथ में रूपी की भी आपको देखने को मिल जाती है। इस कीबोर्ड के अंदर आपको कुछ शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन के, म्यूट के, पॉज के, प्ले के एंड म्यूजिक का भी आपको बटन देखने को मिल जाता है। तो कीबोर्ड की आरजीबी की बात कर लेते हैं, आपको बैकलाइट लाइट देखने को मिल जाती है, जो उसका कीज का बेस है ना उसके अंदर ही आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है 3-4 कलर्स की। तो उसके अंदर भी आपको 2 इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, एक तो ये स्टैटिक इफेक्ट है, इसको भी आप कलर्स में चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स लगा सकते हो। तो 3 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कलर्स में चेंज कर सकते हो आप मैनुअली एंड इसके अंदर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो FN एंड प्लस आपको दबानी है अप की एंड डाउन की, तो डाउन की से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हो एंड अप की से आप ज़्यादा कर सकते हो। सेकंड जो इफेक्ट है इसके अंदर आपको वो ब्रीथिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको FN प्लस ब्राइटनेस वाला बटन दबाना है तो आपको ये ब्रीथिंग इफेक्ट चालू हो जाएगा, जिसमें आपके सारे कलर्स ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब लाइन से चलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके माउस की। तो कुछ ऐसा आपको माउस देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको टोटल 6 बटन देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्ड की बात कर लेते हैं, तो ये माउस आपका बना हुआ है प्लास्टिक से एंड जो क्लिक्स वाले बटन है उसके ऊपर हमें रबड़ की कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, जितना कीबोर्ड ने इंप्रेस किया उतनी तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो इस माउस के अंदर आपको 4 DPI के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 1000, 1600, 2400 एंड 3200। तो माउस के ऊपर आपको DPI का बटन देखने को मिल जाता है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं DPI को। तो माउस की केबल की बात करें तो इसमें भी आपको अराउंड 2 मीटर की केबल देखने को मिल जाती है, जो कि ब्रेडेड केबल है एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड इसका भी आपको यूएसबी पोर्ट गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो दोनों गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है, लेकिन जो माउस है आपको इसके अंदर आपको गेमिंग सेंसर तो नहीं देखने को मिलता, कोई बेसिक सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन तब भी आप इसे गेमिंग तो कर सकते हैं। तो माउस की ग्रिप की बात कर लेते हैं, तो ग्रिप में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। अगर आप कोई और माउस से इस पर शिफ्ट हो रहे हो तो आप बिल्कुल हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल यूज्ड हो जाओगे इसके साथ। तो माउस की लाइट की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको 3-4 कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक रन होते रहते हैं, जिसे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैं कोई सस्ता सा गेमिंग कीबोर्ड माउस यूज कर रहा हूँ। कीज की फीडबैक की बात करें तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट फीडबैक हमें देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड सारी कीज बिल्कुल आराम से काम करती है, बिल्कुल कम प्रेशर लगाना पड़ता है। एंड माउस कीज की बात कर लेते हैं तो उसके भी क्लिक्स अच्छे से काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती गेमिंग करते टाइम। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, की ट्रैवल भी बहुत अच्छा है इसका। तो कौन की बात कर लेते हैं तो कीबोर्ड में मुझे एक छोटा सा कौन देखने को मिला है, जो अल्फाबेट्स हैं उसमें आपको अंधेरे में नजर नहीं आते अल्फाबेट्स, तो यही छोटी सी मुझे कौन देखने को मिली है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से यार ये 100% रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है। अगर आपका बजट 1500 के अंदर है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसका बेस्ट बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं जो बेस्ट मिलते हैं 1500 के अंदर, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। बस यही था इस वीडियो में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए